बिहार में थम गया पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर, 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन सारी पार्टियों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, नीतीश से लेकर तेजस्वी तक की ताबड़तोड़ रैलियां। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने लगाया जाति का तड़का, बोले लालू जी के राज में सीना तानकर बाबू साहब के सामने बैठता था गरीब। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुशील मोदी बोले आरजेडी ने अगड़ी जातियों के आरक्षण का भी किया था विरोध। नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। तेजस्वी यादव ने उठाया महंगाई का मुद्दा, बोले प्याज लगा चुका है सेंचुरी, रोटी रोटी को मोहताज है गरीब। औरंगाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने का किया जिक्र। बिहार चुनाव में मिल्क चैलेंज की एंट्री, राघोपुर में नित्यानंद राय ने तेजस्वी को दी 2 लीटर भैंस का दूध पीने की चुनौती। चिराग पासवान ने जेडीयू पर किया वार, नीतीश को जेल भेजने की फिर दोहराई बात, कहा सृजन समेत हर घोटाले की होगी जांच। ये लिप्त है भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। जेडीयू ने चिराग को बताया जमुरा, कहा फिल्मों की तरह राजनीति में भी फ्लॉप होंगे एलजेपी के अध्यक्ष। में भी काम किए एक फिल्म और वो फिल्म भी ऐसा फिल्म था कि इंटरबल से पहले लोग भाग गए, राजनीति में भी अब यही होने वाला है इनके साथ। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का जोरदार विरोध, युवाओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। हाजीपुर में नीतीश कुमार के साथ मंच पर दिखे रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे, बिहार के सीएम की जमकर की तारीफ। बिहार में बीजेपी ने लॉन्च किया भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन, पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर, नीतीश गायब। बिहार के बक्सर में बीजेपी सांसद रवि किशन का रोड शो, कहा अब की बार सबके पसीने छुड़ा देगा एनडीए। कैमूर में मनोज तिवारी ने तेजस्वी पर साधा निशाना, भोजपुरी गाने के साथ वोटरों का किया मनोरंजन। बिहार के औरंगाबाद में ओबरा विधानसभा में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल, एलजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बिहार एनडीए को लेकर जेपी नड्डा का बयान, ट्वीट पर लिखा कुछ लोग फूट डालने की कर रहे हैं कोशिश। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, प्रचार को लेकर दोनों पार्टियों के लोगों में गुत्थम गुत्था। महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ बीजेपी ने की मोर्चेबंदी, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक निकाली तिरंगा यात्रा। श्रीनगर में लाल चौक से लेकर महबूबा मुफ्ती के घर तक बीजेपी का हंगामा, तिरंगा फहराने की कोशिश में हिरासत में लिए गए 4 कार्यकर्ता। जम्मू में सूबे के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, तिरंगा लहराने के बाद महबूबा मुफ्ती की तस्वीर पर पोत दिया हरा रंग। आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है, आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। महबूबा मुफ्ती को भारी पड़ा तिरंगे का अपमान, जम्मू में पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने छोड़ा साथ। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। सोनिया गांधी के वार पर जेपी नड्डा का पलटवार, एक के बाद एक कई ट्वीट करके बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। सोनिया के आरोपों का जेपी नड्डा ने दिया जवाब, कहा महाराष्ट्र में छीनी जा रही अभिव्यक्ति, विरोधियों को किया जा रहा है परेशान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा मां लोकतंत्र की बात करती और बेटा नफरत की सियासत। कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पर है लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर आज भी है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, एक लेख में कई मुद्दों को लेकर उठाए थे सवाल। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए हैं संगीन आरोप, कहा असंतोष को दिया जाता है आतंकवाद का नाम। संविधान सम्मत चीजें थी उनको जब आप ओवरराइड कर देते हैं, उनको अपंग बना देते हैं तो ये स्थितियां पैदा होती।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों ने किया विरोध, 6 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। अब पंजाब नहीं जाएंगी मालगाड़ियां, किसान आंदोलन की वजह से रेलवे ने किया रद्द करने का फैसला। 29 अक्टूबर को अंबाला में नहीं होगी किसानों की महापंचायत, पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक में बनी बात। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा। अयोध्या को जल्दी मिलेगी एक और सौगात, रामलला मंदिर के करीब अगले साल मार्च तक खोले जाएंगे सीएनजी स्टेशन। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 45,000 नए मरीज, 80 लाख के करीब पहुंचे कुल केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 480 लोगों की मौत, अब तक 1,19,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, अब तक 71,37,000 के से ज्यादा की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 16,45,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 नए केस, 4,70,000 के पार हुआ कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 3,56,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 3,49,000 के पार हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। उपचुनाव के प्रचार के दौरान गुजरात के डिप्टी सीएम पर फेंका गया जूता, 8 सीटों पर 3 तारीख को डाले जाएंगे वोट। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश सचिव माइक पॉम्पियो, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। दिल्ली पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका के रक्षा मंत्री भी हैं साथ, राजनाथ सिंह से की मुलाकात। आसनसोल में निभाई गई 300 साल पुरानी परंपरा, गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच मां दुर्गा की विदाई। आसनसोल में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के दौरान दिखी आपसी सौहार्द की अनोखी तस्वीर, मुस्लिम टीएमसी नेता ने निभाई जिम्मेदारी। पंजाब के बरनाला में नशे की हालत में पति ने गला घोटकर किया पत्नी का कत्ल, 3 साल पहले हुई थी शादी। अमृतसर के माल रोड पर बैंक में पैसा जमा कराने जा रही युवक की लूटपाट, दिन दहाड़े 3 लाख की लूट। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा खुलासा, एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने तैयार कर रखा करीब 300 आतंकवादियों का जत्था। पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में किया सीज़फ़ायर का उल्लंघन, फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। झारखंड के खूंटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हथियार और पर्चे के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। गाजियाबाद में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, गृह मंत्रालय में काम करने का करता था दावा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर में युवक की हत्या सड़कम, भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हाईवे पर दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के अलवर में शराब की दुकान में भीषण आग, 1 सेल्समैन की झुलसकर मौत। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर धू धू करके जली कार, देहरादून जा रहे परिवार ने कूदकर बचाई जान। फिरोजाबाद में पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, 5 लाख की दी सुपारी। मुजफ्फरनगर के स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मौके से 3 युवक और 3 युवतियां गिरफ्तार। शाहजहांपुर में शराब माफिया पर कसा सरकार का शिकंजा, 14 एकड़ की खेती जब्त। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जेल में टॉर्चर करने का आरोप। कानपुर में हाईवे पर धू धू करके जला ट्रक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के राजसमंद में संदिग्ध शव मिलने से सनसनी, शरीर पर जख्म के कई निशान, पुलिस को हत्या का शक। हरदोई में गोली मारकर लड़की की हत्या, एक ही परिवार के 3 हत्यारे गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। भरतपुर में पुलिस चौकी पर लगाए बुलेट प्रूफ बंकर, रेत माफिया की फायरिंग से बचने की कवायद। गरीबों का मसीहा बना दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही, ड्यूटी के बाद बच्चों को मुफ्त में देता है ट्यूशन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। सोलन के शिरडी माता मंदिर में पंडितों ने महिला आयास को हवन करने से रोका तो मचा बवाल, पढ़ाया समानता का पाठ। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे की धूम, राजमहल से निकला शाही जुलूस। पश्चिम बंगाल में आज मनाई जा रही विजयदशमी, कोलकाता में कोरोना के रावण का किया गया वध। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा को दी गई विदाई, महिलाओं ने लिया सिंदूर खेला में हिस्सा। आईपीएल में आज कोलकाता और पंजाब की भिड़ंत, शारजा में हो रही है दोनों टीमों की भिड़ंत। 540 अंकों की गिरावट के साथ 40,145 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 162 अंकों की गिरावट के साथ 11,767 पर रुका निफ्टी। 1 नवंबर से बगैर ओटीपी के नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, गैस चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तैयार किया गया नया सिस्टम। प्याज की थोक कीमतों में आई 10 रुपए प्रति किलो तक कमी, ट्रेडर्स के लिए स्टॉक लिमिट तय किए जाने के सरकार के कदम से सप्लाई बढ़ी। इरडा ने पेश किया बीमा कंपनियों के विज्ञापन नियम में बदलाव का प्रस्ताव, ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों के धोखे से बचाने के लिए फैसला।
मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को तगड़ा झटका, फ्यूचर ग्रुप के साथ अटकी डील, अमेजॉन को मिला स्टे। अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती का फैसला, रिलायंस ने वापस लिया, 3.5 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की एक एक और फेस्टिव सेल की तैयारी हुई पूरी, स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पर मिलेगी भारी छूट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।